For him, not for us. ये वाला देखो। ये क्या लिया? जा रहे हैं साबिर का बर्थडे केक देखने और थोड़ी थोड़ी बारिश लग गई है। हम लोग थोड़ी सी गलती कर दी, हम लोगों ने टाइमिंग हमारी ठीक नहीं बैठी थोड़ी सी, और जा ही रहे हैं तो उसी देर पे हमारी ग्रॉसरी भी हो जाएगी। एंड यस, हमारे पास हमारे मास्क हैं जो कि अभी पॉकेट में है, बिकॉज अभी हम लोग अपने घर की स्पीड नहीं है, वहाँ पर क्राउड नहीं होता, इसीलिए हम पहनते नहीं हैं मास्क। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम ग्रोसरी करने, नॉट ग्रोसरी करने, साबिर का केक, बर्थडे का केक देखने। ग्रोसरी भी करेंगे थोड़ी वो साथ में दोनों शॉप में, इसलिए इसलिए मतलब दोनों एक काम, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हम आपको बेकर्स पे लेके चलते हैं, यहाँ पे आसिफ बेकर्स है वो, तो उनका केक बहुत टेस्टी होता है, हम जनरली उन्हीं से केक बनवाते हैं। तो लेट्स सी साबिर का कैसा केक होता है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को वहाँ पहुँच के। और ये देखो थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई, इतना प्यारा सा वेदर हो गया आज, बिल्कुल भी गर्मी सी नहीं है। हम वॉक करने गए थे लेकिन फिर हमने डिसाइड करा कि हम ये काम कर लेते हैं, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों को बेकर्स पे। ये अभी हम पहुंच चुके हैं अपने ओम इंडिया स्टोर, जो कि इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है, और इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन प्लांट्स भी मिलते हैं। आप देख सकते हैं तुलसी यहाँ पर है, बहुत सारी तुलसी है, दो मैं नहीं लेके जा सकती क्योंकि वेदर अलाउ नहीं करता। तो ये $8 की है तुलसी, प्राइस आपको क्लियर ना दिख पाए तो ये $8 की है। आसी बेकरी मिलेगी पर पता नहीं मिलेगी। मास्क मैंडेटरी है और हमने अनारदाना ले लिया। चलो For him, not for us. ये वाला देखो, ये वाला पाव पेट्रोल होगा लेकिन ये डायनासोर नहीं होगा। स्पाइडरमैन वाला ये है, मैंने देखा था अभी स्पाइडरमैन वाला ना, देखा मैंने। ये वाले थीम का पूछो ना क्या है इनका, ये तो खैर डायनासोर वाला नहीं है। Meanwhile, I mean, it's still weak, right? So you can get this dinosaur and then yeah, but because we are in dilemma. Because if something with the toy, we need to make sure that we do have that toy or not.
अभी आप लोगों ने देखा, हम लोग सागर का केक देखने गए थे और हम लोगों ने कुछ केक्स को सिलेक्ट भी किया। बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं थी केक्स पे, लेकिन डायनासोर वाले केक तो वो कह रहे थे कि आप हमें पहले फोन कर लेना, फिर ही हम आपको शेयर करेंगे कि बन पाएगा कि नहीं। और साविर बेचारा थोड़ा सा निराश हो गया उस कारण, लेकिन अभी एक होप है फोन की। उन्होंने कहा फोन करके जरूर पूछ लेना। सो जो रेट लिस्ट थी आई नो वो थोड़ा सा आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा। तो रेट बेसिकली क्या है, अगर आप 8 से 10 लोगों का केक बनवाते हो तो वो $20 के करीब करीब है, विच इज इक्वल्स टू 1100-1200 रुपए के हिसाब से बनेगा। मतलब 55 रुपीज करेंसी है आजकल, है ना। और अगर आप बनाते हैं 15 to 20 लोगों का, मतलब जो कि हम सोच रहे हैं 15 to 20 का, वो $30 का पड़ेगा प्लस टैक्सेस जो पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस पर डिजाइनर बनवाते हैं, अगर तो आप सिंपल बनवा रहे हैं तो वो $30 का है, लेकिन अगर आप उस पर कोई डिजाइन करवाते हैं, लाइक आप उस पर पॉ पेट्रोल थीम करवाते हो या आप डायनासोर थीम करवाते हो, देन इट वुड कॉस्ट यू $40 15 to 20 लोगों का प्लस टैक्सेस। उसी तरह हर केक पे ना $10 एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर आप उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव करवाते हो। तो लेट्स सी अभी कौन सा केक बनता है, क्योंकि अभी उनके पास डायनासोर्स अवेलेबल नहीं है। सो देखते हैं क्या होता है अभी। तो आज हम लोग बनाने लगे दो चीजें, और एक है हमारे पास चंक्स, मैंने बॉईल कर दिए सोया चंक्स, एक तो ये बनाने वाले हैं। इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी ऑलरेडी, अगर आप लोगों को अच्छे लगेंगे देखने में तो मेरा वीडियो देख लेना, मैं आई लिंक में जरूर डाल दूंगी उस वीडियो को। और दूसरा आज मैं एक नई चीज ट्राई करने वाली हूँ जो बहुत इजी है बनाने में, आप लोग अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, और खासकर वो लोग जो मेरी तरह मशरूम लवर है ना, उनके लिए डेफिनेटली ट्राई है। मैंने एक बार किया था ट्राई, मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उस रेसिपी को। बहुत ईजी है, अभी आप देखेंगे। तो ये मैं सिर्फ मशरूम मैंने कट कर दिए हैं और अब मैं इनको मैरिनेट करने वाली हूँ। अब मैं कैसे मैरिनेट करूंगी वो आप लोगों को देखना है, लेकिन ये वाली जो चीज है ना वो बनेगी आपकी अवन के अंदर। सो माइक्रोवेव में आजकल अवन की फैसिलिटी होती है, सो मतलब माइक्रोवेव अवन जो भी आपके पास है, अगर आपके पास वैसा वाला माइक्रोवेव कम अवन है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोसेस की तरफ अभी सबसे पहले। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मशरूम को कट करने के बाद धोने के बाद यहाँ पे कर्ड ऐड कर रही हूँ मैं। 3 स्पून्स मैंने कर्ड ऐड कर दी है, और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, साथ ही साथ ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे किचन किंग का थोड़ा सा अपना 1/2 स्पून ऐड कर रही हूँ, साथ में मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। ये सारे स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अभी मैं इनको मिक्स करने के बाद रखने लगी हूँ मैरिनेशन के लिए 10 मिनट्स के लिए। अगर आपको ज्यादा टाइम हो ना और आपको पता हो कि आपने यही बनाना है तो आप पहले कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें और ज्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो अभी मैं इसको रखने लगी हूँ। ये लो फिर आप, कैसा था फिर? वाओ, मम्मा ने बनाया। मिर्च है, स्पाइसी बनाया मम्मा ने। ओ जो आपका कार्ड है ना, था भी इंडिया का कार्ड, इसको हम आधार कार्ड बोलते हैं। आधार कार्ड ही इंडिया में वैलिड होता है, ये सिर्फ आपके 5 साल तक ही वैलिड है, ये उसके बाद फिर से बनाना पड़ेगा। सो गाइस, देख लो डिनर लग चुका है। बहुत लोगों को, मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे कहा था कि हमें तुम डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो, तुम लोग बड़े प्यारे लगते हो अगर नीचे आराम से बैठ के खाना खाते हो देसी स्टाइल में, बट अभी ले लिया है तो भैया खाना तो पड़ेगा ना डाइनिंग टेबल पे। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया खाना तैयार हो चुका है। साविर को मैंने रोटी और राजमा दी थी, जिसमें उसने रोटी फिनिश कर दी है, राजमा थोड़े से रह गए, अभी वो कह रहे हैं मम्मा आप खिलाओ, तो मैं अभी इसको खिलाने लगी हूँ, फिनिश करो। तो चिकन लगता है, तो जो वो वाली चीज होती है ना कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो वो मीठा जो है ना वो मेरा तैयार हो चुका है।
करते हैं अपनी स्वीट डिश को। चलो मैं लेके जाऊंगा। अच्छा लो, ये लो जी, सावी लेके जाना चाहता है। सावी लेके जाएगा। सावी मेरी बहुत हेल्प करवाता है हर काम में। गो एंड गेट द जेंगा। रिमोट किधर है? साबिर, वेयर इज द रिमोट? चलो रिमोट। क्या हो गया? बहुत मस्ती आ गई आपको मेरे मंकी। चलो लगाओ जेंगा। जेंगा क्या कहते हैं इसको? अच्छा अच्छा चलो जेंगा। अच्छा बहुत टाइम लग जाएगा अभी। ये हो गया देखिए हमारा जेंगा तैयार, आप देख सकते हैं। अब इस गेम में जिसको पता है उसके लिए अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं पता है हमें बीच में से ना ब्रिक्स को निकालना है, बेसिकली ब्लॉक्स को। ये जो है इसमें बीच में से ब्लॉक्स को निकालना है हम लोगों को। बस ये गिरना नहीं चाहिए, जो जिसके टर्न पे ये गिरा वो मतलब हार गया। फर्स्ट, अच्छा पहले बताओ बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय, नाइट, टेक केयर।